रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, कल इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, लाहौर में पेश आया। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर्स के बाहर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, जिसके अंदर कई कीमती जानों का ज़िया हो गया। उनके साथ हमारी पूरी टीम की यकजहती और डेफिनेटली फिर इसकी मजम्मत, साथ साथ जो ज़िया हुआ उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, इस दुआ के साथ आज अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ करप्शन के हवाले से। करप्शन की इंक्वायरी की जाए तो उस अफसर को शाबाशी मिलनी चाहिए। शरीफ ख़ानदान की करप्शन की इंक्वायरी की जाए तो फिर शाबाशी नहीं मिला करती, बल्कि उस अफसर के या उन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई सबूत, कोई शवाहिद या कोई ना कोई कहानी ढूंढने की कोशिश की जाती है। इससे पहले पीटीआई ने यह मामला उठाया तो पीटीआई में, यानी केपी के हुकूमत के हवाले से बंद कमरों के अंदर ये बातें होने लग गई कि इनकी भी कोई गलतियां ढूंढिए, इनकी भी कोई करप्शन ढूंढिए, इनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढे जिसके ऊपर कोई स्कैंडल बनाया जा सके। अब वो स्कैंडल पीटीआई से हटकर अफसरान तक पर आ गया और कैसे आया, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। राव साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब ज्वाइन करने के लिए। सुहेल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये करप्शन केसेस की इंक्वायरी करना हमारे मुल्क में इतना मुश्किल हो चुका है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद कहते हैं कि मैंने नहीं करनी, क्योंकि कई पिछले केसेस के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकली देखे तो बहुत सारे आईओज जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर अगर कोई दुनिया में होता है तो उसके खिलाफ खुद कोई बात ढूंढने की कोशिश की जाती है। अब ये जो इस शरीफ खानदान के बहुत सारे करप्शन केसेस के बारे में तमाम इंक्वायरी हो रही है, इसका क्या बन रहा है, इनके अफसर के साथ क्या हो रहा है? अनिका, ये अब ऐसा नहीं हो रहा। ये शरीफ खानदान का, ये उनके जब से वो इक्तदार में आए, वो इक्तदार में हों या ना हों, जब कभी भी उनसे मुतल्लिक कोई इंक्वायरी या तहकीकात की गई है तो उन्हें सख्त नागवार गुजरा है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सबसे पहले जब 90s की हम बात करें, 1994 के अंदर रहमान मलिक साहब ने, जब वो FIE में थे और FIE की टीम ने लंदन की इन्हीं फ्लैट्स की, जो आजकल अब सुप्रीम कोर्ट में जिन पर फैसला महफूज हो चुका है, इनसे मुतल्लिक उन्होंने एक इंक्वायरी की थी। इस इंक्वायरी टीम के अंदर एक FIE के साबिक डिप्टी डायरेक्टर इनामुर रहमान सहरी भी शामिल थे। और इस तरह के और बहुत से केसेज हैं जिन लोगों ने कुछ ऐसे कार्रवाई की तो बाद में उनके खिलाफ बड़ी सख्त उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा और नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा। 1994 में इन्होंने शरीफ खानदान के इन असासों जायदादों से मुतल्लिक इंक्वायरी की थी। अगरचे कि उस इंक्वायरी के ऊपर कोई कार्रवाई तो ना हो सकी थी, लेकिन रहमान मलिक साहब को खुद भी अताब का निशाना बनना पड़ा और इनामुर रहमान सहरी साहब को भी। लेकिन दिलचस्प मामला अब ये है कि अब दोबारा जब इन मामलों की तहकीकात कर रही थी GIT, इस दौरान अचानक इनामुर रहमान सहरी साहब मीडिया पर नजर आए थे। उन्होंने माजी के अंदर जो तहकीकात की थी दोबारा कौम के साथ शेयर की, और वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, कैनेडा के अंदर, लंदन में भी अक्सर गाहे बगाहे जाते रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने बताया पूरी इस वाक्य की, जो कुछ उन्होंने चीज़ें अनअर्थ की थी कौम के साथ दोबारा शेयर की थी। तो उनकी मीडिया पर आने की वजह से शरीफ खानदान के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हुआ था, स्पेशली इखलाकी तौर के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म समेत बहुत से हुकूमती शख्सियात उनसे सख्त खाइफ थी और उस वक्त ही फैसला कर लिया गया था कि ये बाहर आराम से बैठे हुए हैं तो इनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, नैब से प्राइम मिनिस्टर हाउस ने नैब रावलपिंडी से रابطہ किया कि इनके जो करप्शन के केसेस आपके पास थे उसका रिकॉर्ड फराहम करें और स्टेटस क्या है, इसे अब तक सजा क्यों नहीं सुनाई गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने भी हासिल किए जो कि मेरे पास मौजूद हैं, उसके अंदर लिखा हुआ कि इनामुर रहमान सहरी को जब 1998 के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस की हदायात के ऊपर वाजे लिखा हुआ है, उन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया। ये बेसिकली पुलिस सर्विस इनका ताल्लुक था, ये डायरेक्ट IB में डायरेक्टर भी रहे, रेलवे पुलिस में भी रहे, डिप्टी डायरेक्टर FIE थे, नौकरी से बरतरफ किया गया और इनके खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस बनाया गया था सैफुर रहमान साहब ने। दिलचस्प देखिए, मतलब चीज़ें लिंक कैसे हो रही हैं। इस वक्त शरीफ खानदान के ऊपर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, यही चार्ज आयद किया गया था इनामुर रहमान सहरी साहब के ऊपर। उस वक्त एहतसाब ब्यूरो ने इंक्वायरी की, फिर मामला FIE के पास पहुंचा, फिर जब नैब का 1999 में ऑर्डिनेंस के जरिए आया तो इंक्वायरी वहां मुंतकिल हुई। दस्तावेज में बताया गया है कि इनामुर रहमान सहरी के ऊपर उस वक्त सैफुर रहमान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के हदायत के ऊपर जो इंक्वायरी की थी, वो इंक्वायरी ये थी कि 1985 से 1988 के दौरान इनामुर रहमान सहरी की जो आमदन थी वो 11 मिलियन रुपए थी, 1,10,00,000 रुपए थी, जबकि जो इनके और इनकी बीवी के नाम के ऊपर जो असासे थे वो 2,30,00,000 रुपए के थे और इनके अकाउंट में भी कोई 10 मिलियन रुपए की रकम मौजूद थी जिसको वो साबित नहीं कर सके। तो ये केस इन पर बनाया गया था कि इनके पास कोई तकरीबन 11 मिलियन रुपए
1,10,00,000 रुपए इनकी आमदन से ज्यादा है। ये केस बनाया गया, नैब ने तहकीकात की और रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इनामुर रहमान सैरी साहब बैरून मुल्क चले गए, वो कभी पाकिस्तान नहीं लौटे, उन्हें मफरूर करार दिया जा चुका है। अब ये सारा केस प्राइम मिनिस्टर हाउस को भिजवाया गया है, नैब ने कहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि अगर आप हमें इन्हें इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान अगर आप हमारे हवाले करें, एहतसाब अदालत में रेफरेंस मौजूद है, इनके खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इन्हें सजा हो सकती है। इसी के साथ दूसरा मामला जीआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया साहब का है, उनसे मुतल्लिक भी उनकी जितनी असासे हैं, उनकी जो आमदन है और उनके फैमिली के अहले खाना की जो असासे और आमदन है, वो सारा रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर हाउस की अहम शख्सियत की एक निजी, उनके दोस्त की एक निजी कंपनी है, सारा रिकॉर्ड उन्हें फराहम किया गया, वो उनकी उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या इनके खिलाफ डायरेक्टली कोई कानूनी चारजोई की जाए कि इनके पास असासे ज्यादा कोई केस बनते हैं, अगर तो केस बन गया तो वाजिद ज़िया साहब के खिलाफ बरह रास्त केस होगा, अगर वो ना बना तो फिर मीडिया सेल के जरिए सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तर तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएंगी। अपना इस वक्त शरीफ खानदान का फैसला महफूज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस वक्त जो तवानाइयाँ सर्व की जा रही हैं उन अफसरान के खिलाफ के जिन्होंने करप्शन की इंक्वायरियाँ की, पहले उन्हें निशान इबरत बनाया जाए, ये इंतहाई मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है, इंटेंशली इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी अफसर सरकारी अफसर करप्शन में मुलविस है, उनके उनसे मुतलिक सबूत मौजूद है, तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त कुछ लगता है कि इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला हो रहा है मेरे ठीक है। राव साहब, ये वाजिद ज़िया साहब की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने तमाम की तमाम चीजें क्लियरली जेआईटी के अंदर बता दी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, लेकिन ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो तो स्टेट के ऑफिसर हैं, स्टेट के ऑफिसर होने की हैसियत से उन्होंने अपना काम पूरा किया, तो इसमें शरीफ खानदान को तो उनको सराहने की जरूरत है, हुकूमत में जाहिर सी बात है स्टेट को रन कर रहे हैं, वो तो सराहना चाहिए कि देखिए आपने काम पूरा किया, ऐसी इंतकामी कार्रवाई तो अच्छी नहीं लगती। ये श्रीहन बदनीयती है और ये कह ले कि एक अब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। एक नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो होता है, ड्यू प्रोसेस जो होता है, उसमें अगर हो रही होती हैं चीज़ें, अगर आपने आते ही जिस तरह से आप कहते थे हम स्विस केस के पैसे वापस लाएंगे, पेट फाड़ के निकालेंगे जरदारी साहब के पेट से, अगर आपने वो प्रोसेस शुरू किया होता, वो नैब को इफेक्टिव बनाया होता, वो सारी चीज़ें हो रही होती तो कोई मसला नहीं था। आप जिसकी भी मर्जी चाहे इसी टाइम पे कर लेते हैं, आप वाजिद ज़िया साहब की इंक्वायरी अगर ये हो रहा होता, हो तो कुछ नहीं रहा, करप्शन के खिलाफ कोई एक मामूली सी भी काविश नहीं हो रही उसको ख़त्म करने के लिए, बल्कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और अरबों खरबों की रोज़ की करप्शन होनी शुरू हो गई है, तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें। अब बात यह कि जो सैरी साहब ने इंटरोगेशन की बुनियादी तौर के ऊपर, वो अगर दुरुस्त साबित हो जाती है सारी, ठीक साबित हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट कर देती है कि हाँ ये ठीक थी, उसकी बुनियाद पर रेफरेंसेस बन जाते हैं, नायली भी हो जाती है, तो फिर कहाँ मॉरल ग्राउंड होगी? मॉरल ग्राउंड का तो वैसे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मॉरल इखलाकी ग्राउंड पे तो यहाँ पे कुछ सोचते ही कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं सोचा इस हवाले से, तो वो कहाँ पे खड़े हो गए? तो ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो चुकी हैं, ये जब हो जाएंगी, ये प्रोसेस चलता है, उस पर वाजिद ज़िया हो, इनामुल्लाह सैरी हो, मैं हूँ, भट्टी साहब हो, आप हों, कोई भी हो, वट एवर जज है, जर्नैल है, वजीर है, कोई आम आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, अगर वो प्रोसेस में कोई चीज़ आता है वो बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ ये इन सारी कार्रवाइयों से ये साबित हो रहा है कि जब जेआईटी ने रिपोर्ट जमा कराई थी, पहली रिपोर्ट पे भी उन्होंने कहा था, जब फाइनल जमा कराई थी उन्होंने कहा था हमारे और हमारे बच्चों का और ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ हमें दिया जाए, और ये बात दुरुस्त साबित हो रही है कि जिस तरफ ये जा रहे हैं, अगर कोई चीज़ साबित इनके खिलाफ नहीं होगी तो दे आर वेरी कूल पीपल, जो जिनसे वास्ता पड़ा हुआ SGIT का, तो उन्होंने बिल्कुल सही अपनी रिजर्वेशन का किया था, कोई ना कोई उनमें से गड़बड़ कर सकता है बंदा, उनके जान को भी खतरा है, उनके माल को भी खतरा है, उनके अपने जॉब्स को तो खतरा है ही है, जिस तरह से ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि इनके खिलाफ इंक्वायरी रुकवा दे, इंक्वायरी भले हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना चाहिए कि ये इंक्वायरी ड्यू प्रोसेस और जिन इदारों ने करनी है उनके थ्रू होनी चाहिए, वो करें, और सुप्रीम कोर्ट उसी तरह रिपोर्ट ले जैसे जेआईटी की रिपोर्ट लेती थी, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को विच हंटिंग शुरू हो जाए। ठीक है, एक तरफ तो ऐसे अफसरान जो काम करके दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई नया स्कैंडल बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जगह जो अफसरान स्टेट का काम हटा कर साइड पे करके पर्सनल काम करने लग जाते हैं उनको नवाजा जाता है, और तब तक नवाजा जाता है जब तक आखिरी मौका भी ना आ जाए, और जफर एजाजी साहब का कुछ मामला इसी तरह का है, जफर एजाजी साहब ने बड़ी टेम्परिंग की, फोर्जिंग के मामला उनके हवाले से सामने आए, डॉक्यूमेंट टेम्परिंग के मामला सामने आए, उसके बाद फिर
FIA की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जफर एजाजी साहब की बड़ी नेगेटिविटीज आई, उसके बाद अस्पताल चले गए। हर किसी की तबीयत खराब हो जाती है जब चीजें सामने आती है। उसके बाद सुहेल साहब तस्वीर बनाने की कोशिश करें तो खवातीन सहाफी के साथ बदतमीजी शुरू हो जाती है। बाकी कोई बात करने की बात करें जफर एजाजी साहब के बाद बारे में तो लोग डिफेंड करने आ जाते हैं। अब उनको VIP ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, वो एक तरह से वही किरदार अदा कर रहे हैं जो वो जेल जाने से पहले कर रहे थे। फ़ायदा निकल ये जफर एजाजी साहब बदस्तूर चेयरमैन SSCP हैं। एक हफ्ता कबल तक वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों में और अपने पेश होते रहे, कायमा कमेटियों के अंदर मुझे ख़ुद उन्हें सुनने का मौका मिला है। जो उनकी तकरीबन 64 साल उनकी उम्र है, जिस भरपूर तरीके साथ पुरजोश तरीके साथ वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर अपने केस रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी कमेटीज़ चेयरमैन और मुतलका लोग सवाल जवाब करने वाले एक साइड के ऊपर, और जफर एजाजी साहब इतने एक्टिवली और गर्म जोशी के साथ चीज़ों को टेकअप करते थे, लगता नहीं था कि उनकी उम्र 64 साल है। लेकिन अचानक जब ये मामला सामने आया जो कि चौधरी शुगर मिल्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद करने से मुतल्लिक था, जो उन्होंने टेम्परिंग की, जो उन्होंने गलत बयानी की अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर, उन्हें उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जितनी उन्हें बैकअप सपोर्ट थी वो मुयसर रहेगी, FIA उन्हें के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी और कहीं ना कहीं से बच बचाव हो जाएगा। लेकिन जब उनकी जमानत मनसूख हुई, जिस दिन जमानत मनसूख हुई उस दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। यकीनन किसी भी इंसान को कोई आरजा लाहक हो सकता है, लेकिन जो पिम्स में उन्हें भिजवाया गया वो वहां इनको पर जो आरजा लाहक है ना वो लाइलाज है, वो लाइलाज है, दुरुस्त कह रहे हैं आप। और उसके बाद जो इन्हें जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक इन्हें 2001 के अंदर इनके इनके किडनी की इनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उसके बाद कभी इन्हें कोई हार्ट के हवाले से कोई बड़ी कोई संगीन आरजा लाहक नहीं रहा और कोई इन्हें मसला नहीं रहा। अब जब इन्हें पिम्स भिजवाया गया, पूरा ये गेम प्लान का हिस्सा था, वहाँ पर जो ED बैठे हुए डॉक्टर जवेद अकरम साहब, ये मुस्लिम लीग नून के MNA परवेज मलिक साहब के भाई हैं और साबिक जस्टिस हाई कोर्ट साबिक जस्टिस जो थे मलिक कयूम साहब, उनके भी भाई हैं। इन्हें टास्क दिया गया, तारिक फजल चौधरी साहब को टास्क दिया गया कि जफर एजाजी साहब की किस तरह से ख्याल रखना है, किस तरीके से किस तरीके से आपने बीमार करना है। अच्छा, जो रिपोर्ट आई है टेस्ट पिम्स के अंदर किए गए, कोई आम शख्स टेस्ट करवाने के लिए जाए तो पिम्स की सारी मशीनें खराब होती हैं, लोगों को आ जाता है कि आप बाहर से जाके किसी अच्छी लेबोरेटरी से करवा के लाइए। खुद इन्होंने टेस्ट किए और टेस्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा है, गुर्दों के जो उनके तकलीफ रही थी उसका हवाला दिया गया है और जिस किस्म की मर्ज का बताया गया उसका जो रिपोर्ट किया गया है। एक डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया, उनका कहना था कि ऐसी कंडीशन अगर एक मरीज की हो भी जाए तो उसे डायलिसिस के अलावा हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पेश आती। डायलिसिस उनको हो नहीं रहा लेकिन एडमिट किया गया। उसके बाद कहा गया कि उन्होंने प्रेशर में आए हैं, उन्होंने टेंशन ली है तो परेशान है। कोई भी मुलजिम हो, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस बंद करवाएंगे उस वक्त आपको प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा, आपको खौफ नहीं आया कि जिस काम के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी आप उससे बदध्यानती कर रहे हैं। लेकिन जब FIA ने पकड़ा तो अब आपके ऊपर प्रेशर में आ गए, टेंस हो गए। उसके बाद रिपोर्ट में लिखा गया कि इनका साइकोलॉजिकल किसी माहिर नफ्सियात से इनकी ट्रीटमेंट भी होना जरूरी है, चूंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इन्हें सीने में थोड़ा सा दर्द हुआ है। और जो दर्द लिखा गया है वो भी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर साहब से राय ली है। वो कहते हैं ऐसे डेली कई पेशेंट्स आते हैं, जबान के नीचे गोली हम रखते हैं वो ठीक होकर चले जाते हैं, ये वो रीज़न थी। लेकिन जवेद अकरम साहब ने जिन्होंने पिम्स का भी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उन्होंने इस सारे मामलात को टेकअप किया हुआ है, वहाँ पर उन्हें VIP प्रोटोकॉल दिया गया है। पिम्स के अंदर काश किसी और मरीजों को भी इस किस्म के टेस्ट की सहूलियात हासिल होती। एक शख्स जिसने एक गलत काम किया FIA के जरिए, अभी भी PM हाउस की उन्हें भरपूर सपोर्ट हासिल है, वहाँ पर रखा गया है, दोबारा उन्हें आज कोर्ट के अंदर भी पेश करना है FIA की जानिब से। लेकिन जिस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर उनका अस्पताल में उन्हें शिफ्ट करवाया गया है वो मेडिकल रिपोर्ट बनती नहीं है। डॉक्टर जवेद अकरम साहब को कुछ ना कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अपने प्रोफेशनल जो उनके एथिक्स होते हैं डॉक्टर्स के, उनको मेरे ख्याल में उन्हें कुछ ना कुछ मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा राव साहब, वैसे गुर्दे का दर्द या गुर्दे का मसला जो डायलिसिस वाली बात कर रहे हैं कि इसके अलावा डायलिसिस के अलावा उनको अस्पताल में नहीं लेकर जाने की जरूरत, तो मैं SIUT के बाहर कई गुर्दों के मरीज देखती थी जिनको अस्पताल में एडमिट करने की जगह नहीं होती थी, वो बाहर बैठे होते, इनको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सीने में दर्द, इनको उस दर्द का एहसास नहीं होता जो एक मजदूर के दिल में होता है जब करप्शन की वजह से, जो टैक्स के पैसे दिए होते हैं करप्शन की वजह से, वो पैसा उन अवाम पे नहीं लग सकता। इनको तब नहीं याद आया था इन तमाम बीमारियों का जब वो हेल्थ सेक्टर को देखते थे और फिर भी करप्शन के अंदर पूरा पूरा हिस्सा डालते थे। ये अपने ऊपर बात पड़ती है तो एकदम से मामला मुख्तलिफ हो जाता। अब देखिए एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, अभी हमने जो वाजिद ज़िया साहब वाली स्टोरी डिस्कस की जिनके खिलाफ कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं, अभी उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, इस तरह से उनके खिलाफ इकट्ठे करने के लिए कहा गया कि इकट्ठे करें,
एक शख्स जिसके खिलाफ सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसके खिलाफ FIA की अपनी फाइंडिंग्स मौजूद हैं, जिसके खिलाफ उसके डिपार्टमेंट के लोगों को जिसको उन्होंने जबरन जिनसे लिखवाने की कोशिश की, बयान लिखवाया गया बल्कि और केस बंद कराया गया, वो सारे बयान मौजूद हैं, उसको कोई हुकूमत पकड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट करे, किस तरह उसको छुड़ा ले वहाँ से। और एक ऐसा शख्स जिसने एक अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, नेकनीयती से दी है, और सारे हर पूरा मुल्क उसकी तारीफ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है उनके काम की, उसको आप पकड़ने के लिए आप बहाने ढूंढ रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन बुराई तौर पे आप इससे बदनीयती का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक बदनीयती है। दूसरा, ज़फ़र इजाज़ी साहब का एक तो जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं, मेरा ख्याल है जो कानूनी तौर पर भी वो इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो सकते थे जहाँ तक मेरा इल्म है। SCCP, हाँ बिल्कुल चैलेंज हुआ हुआ। दो दफ़ा आप कमिश्नर रह चुके हैं जो कि चेयरमैन ही होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है चेयरमैन के, तीसरी दफ़ा वो अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर 63 ईयर से ऊपर आप नहीं कर सकते सर्विस ये SCCP की। नहीं, तब तक वो जवान थे, 64 साल पे भी जब तक मामला सीधे थे तब तक बात अलग थी राव साहब, अब बात जरा अलग हो गई। मैं सिर्फ उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। उनकी जवानी तो लौट आएगी जैसे ही वो जो वहाँ से निकलेंगे, तो वो दोबारा से उसी तरह हंसना खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले भी जवान बिल्कुल सही। उन्होंने कैसी गुंडागर्दी की, बाकायदा लोगों को ज़बरदस्ती बुला के कहा यहाँ लिखो, ये लिख के ये साइन करके मुझे दो, इस तरह से जो उसके खिलाफ उनके बयान आते हैं। उसके बाद इस जब इस पूरे मामले पे जो उनको पता चला मैं बिल्कुल पकड़ा जा रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने दाएं बाएं से एक बड़ा दिलचस्प अंदाज में आजकल रिपोर्टिंग हो रही है एक मीडिया ग्रुप में, वहाँ पे खबर छपी कि वो उन्होंने कहा कि जी मैं तो बॉस हूँ, तो काम नीचे वालों ने किया, तो बॉस का क्या, 100 केसेस होते हैं दिन में, उनकी सफाई इस तरह से भी देने की कोशिश की गई, वो बिल्कुल लातअल्लुकी उन्होंने जाहिर की। फिर जब इसमें पकड़े गए हैं अब और जब हॉस्पिटल में ले गए, दोबारा फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी, लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की और थप्पड़ धक्के खातून के साथ बदतमीजी ये शुरू कर दी। तो ये बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो अरेस्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का उनको नोटिस लेने की ज़रूरत है। चौरी निसार साहब ने अगरचे नोटिस लिया कल इस बात का, वो उससे ये भी लग रहा है कि वो वजारत दाखिला छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो पिछले 2-3 दिन से खामोश थी, ये 3 दिन में पहला नोटिस है जो उन्होंने लिया है कल जो खातून साहब के साथ। आपने ऑब्जर्व किया कि चौधरी निसार साहब तो अलील नजर आ रहे थे, अगर वाकई में ज़फ़र हिजाज़ी साहब भी अलील हैं तो फिर मीडिया के सामने आने दें, उनको पिक्चर्स बनाने, तो जो सहाफ़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही चीज़ सामने आ जाएगी कितने अलील हैं कितने नहीं। सबको पता है कितने अलील वो हैं, जिस तरह से वो चल रहे होते हैं कोर्ट में, जब जाते थे जितनी तेज़ी से वो वॉक करते थे, और जो रोज़ाना वो वॉक भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उस वक्त कोई नहीं हुआ। अगर वो कमर दर्द का बहाना बनाते तो शायद ऐसा ये ऐसा बहाना था जो छुप सकता था कि आप यानी आप कह लीजिए मेरे कोई प्रॉब्लम हुई है, स्प्रेन है, स्प्रेन आप उसमें देख नहीं सकते, एक्सरे में नहीं देख सकते, उस तरह से वो फिर भी कोई बहाना चल जाता। ये तो ऐसा बहाना बना जिसमें डॉक्टरों की रिपोर्ट जब है, क्लियर रिपोर्ट उन्होंने ऑलमोस्ट दी हुई है उसके ऊपर। और डायलिसिस की मैं बात बताऊँ, डायलिसिस भी अगर आप कराते हैं ना, जिस वक्त आप डायलिसिस कराओ तो आप एडमिट होते हैं, 1-2 घंटे जितना प्रोसेस होता है वो होने के बाद आप घर चले जाते हैं, वो एडमिट नहीं करते उस तरह से उसको भी, अंटिल अनलेस आप ऑपरेट होना हो या बहुत सीरियस कंडीशन हो आपकी, आपको ICU में रखना पड़ जाए, तो इस किस्म की चीज़ें होती है। अल्लाह ताला उनको पूरी सेहत दे और सच बोलने की भी तौफीक दे। मैं तो चाहता हूँ कि उनको प्रॉपर वो निकल के बताएं कि ये सारा कुछ जो हुआ है उन्होंने खुद किया है, किसी के कहने पर किया है, क्या क्या मामला इसमें शामिल थे, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये जब निकलेगा तो पता चलेगा। दो और बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही है। ताहिर महमूद साहब जो कमिश्नर थे, जो मुतलका शोबे के सरबराह थे, बड़ा अहम रोल था वो, इनसे भी खतरनाक आदमी, इनसे भी खतरनाक आदमी है, बड़ा रोल था। 2013 में जब प्रैक्टिकली असल जो बुनियाद रखी गई थी इस केस को बंद करने की, UK से लेटर विड्रॉ किया गया था, उस वक्त कायम मकाम चेयरमैन थे ताहिर महमूद साहब, जो कि अब कमिश्नर हैं, वो इस केस के अंदर आने वाले दिनों के अंदर वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। चलिए, ये वादा माफ गवाह का पहला वाला जो मामला है वो भी पिछले कुछ हिस्ट्री भी है इसहाक डार साहब वाली भी। चलिए खैर, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जरा बात करेंगे एयरपोर्ट्स के हवाले से। नाज़रीन, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट को निजी शोबे को ठेके पे देने की बात की जा रही है, और ठेके पे देने वाली बात तो 25 मार्च को ज़रा रुक गई थी, उसके बाद ये दोबारा शुरू हो जाने, तो सिक्योरिटी हैज़र्ड नहीं होता सोहेल साहब? यानी आप अपना एयरपोर्ट एक निजी शोबे को दे दीजिए, क्या मामला होता है, हाईजैकिंग, टेररिज्म, बहुत सारे मामला होते हैं, ये तो सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। सिक्योरिटी रिस्क भी हो जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सालों से प्रैक्टिस हुई, हम कुछ चीज़ों को कुछ शोबों को आउटसोर्स करते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये होती है किसी शोबे के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है या आप उसको रन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान स्टील मिल की बात करते हैं कि हम लोग उसको नहीं चला पाए, कोई और सोल्यूशन नहीं है, खसारा के 1.5 अरब महाना खसारा कर रही है, चलें जी प्राइवेट शोबे को दे देते हैं। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा बेहतरीन एयरपोर्ट
बनने जा रहा है, जिसका एक्सपेक्टेड है कि 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर उसके इफ्तिताह करेंगे। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तीनों वो एयरपोर्ट्स हैं जो सालाना अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से हम मैनेज भी कर रहे हैं, मजीद में बेहतर तरीके से सिविल एविएशन उसको मैनेज कर सकती है। हाँ, ये हो सकता था कि जो ये तीनों एयरपोर्ट्स पहले प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में भी शामिल थे, फेडरल कैबिनेट से भी इसकी अप्रूवल हो चुकी थी, लेकिन उस मामले को फिर रोक दिया गया था प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से। फिर सिविल एविएशन ने बेसिकली शुजात अजीम साहब जब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था और उन्हीं के पास बैरून मुल्क कुछ ऐसे फर्म्स कंपनियां हैं जिनकी इन तीनों एयरपोर्ट्स के ऊपर नजर है, चूंकि लुक्रेटिव अपनी भी तो है, अपनी भी हो सकती है, ग्राउंड हैंडलिंग की उनकी अपनी ग्राउंड हैंडलिंग की है, लेकिन अब यकीनन किसी जितना उनके नाम और उनके बच्चों के नाम के ऊपर जो कंपनीज एक्सपोज हो चुकी हैं जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली ठेके के लिए काम किया, तो शायद अब वो किसी और कंपनी के तवस्सुत से अब एंट्री करें। तो ये तीनों एयरपोर्ट्स के हसूल के लिए बेसिकली प्लान पहले से था, फरवरी 2017 में काम शुरू किया गया। उसके बाद ये मामला अदालतों में चैलेंज भी हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए, उसके बाद प्लानिंग कमीशन की जानेब से भी इसकी उस वक्त मुखालफत की गई कि ये निजकारी की लिस्ट में शामिल थे और ये फेडरल गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं, सीसीआई के अंडर आते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। 25 मार्च 2017 इसकी जो टेंडर बोलियां सबमिट करने की तारीख थी वो गुजर गई, काम रुक गया। उसके बाद उस वक्त प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया, तब दोबारा अचानक से इसको एक्टिव किया गया है और कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से दोबारा सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दी गई है, फ्री हैंड दिया गया कि आप इसको टेकअप करें। इस मरतबा प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस मामले के ऊपर कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, आप इसके लिए टेक्निकल फाइनेंशियल बिड्स हासिल करें और इसको जितना जल्द हो सकता है इस प्रोसेस को स्पीडअप करते हुए इनके आप आउटसोर्सिंग करें, इसमें एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन भी और मेंटेनेंस भी और सारा कंट्रोल जो भी कंपनी होगी निजी शोबे की उसके सपुर्द कर दिया जाएगा। इसके लिए जो डेट नई डेट रखी गई है वो 12 सितंबर की डेडलाइन मुकरर की गई है। मैंने रابطہ करने की कोशिश की सिविल एविएशन अथॉरिटी से कि पहले माजरा क्या हुआ था, उनके मुतलका ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहना उनका मौकफ यह था कि हमारी इंटरनल पहले कुछ मसाइल थे, वो अब दूर हो गए, अब हम क्लियर हैं और हमने फाइनल किया हुआ कि हर सूरत हमने इन तीनों एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना है। पहले प्लान के मुताबिक अगस्त में इन तीनों एयरपोर्ट्स का जो निज़ाम था, सेटअप था, वो निजी शोबे के हवाले हो जाना था, जो कि रुक गया। अब दोबारा से मूव शुरू की गई है, मुल्क के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, प्रॉफिटेबल हैं, हम खुद उसको बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। अगर स्टील मिल को हम नहीं प्राइवेटाइज कर पाए तो प्रॉफिट में चलने वाली एंटिटीज को तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम उनको निजी शोबे के हवाले करें। राव साहब, लॉजिक तो यहाँ एक ही चलता है, वो आपको भी मालूम है, वो सुहेल साहब को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आवाम को भी मालूम है, वही लॉजिक इधर चल रहा है लगता है। बिल्कुल, ये वो कहते हैं जो तगड़े है उनका 7-20 का 100 होता है, तो ये 7-20 के 100 वाले हैं, सारे माफियाज हैं, पूरे ये मिल मिला के सारा ये काम करते हैं। अब देखिए इस पर एक जो मैं देख रहा था, जो फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो हैंडओवर करने जा रहे हैं, उसमें एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, पैसेंजर फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग, लैंड एंड एयर साइड एरोड्रोम ऑपरेशंस, शायद ही कुछ चीज़ बचती हो, एयरपोर्ट बिल्डिंग, लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा, फिर ग्राउंड हैंडलिंग जितने लगेज वगैरह की सारी होती है वो है उसमें, डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट, कमर्शियल कंसेशंस, एयरपोर्ट रिटेल्स एक्सेट्रा, जो बाहर दुकानें शुकानें लगे थे, और फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रनवेज, टर्मिनल, बिल्डिंग, सेटेलाइट, एवियो ब्रिज, टैक्सीवेज, कार्गो विलेज, कार्ग, बचा क्या है और ये किस लिए दे रहे हैं। भट्टी साहब ने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है बुनियादी तौर पर, आप एक प्रॉफिटेबल आपका काम चल रहा है सारा, उसमें आप हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग दे देते हैं, आप कहते हैं जी हमारा प्रॉफिटेबल है, ग्राउंड हैंडलिंग के इतने पैसे हम लेंगे, आपको उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसके आप इसको बढ़ाएं, अपने उसको जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको आप कैश कराएं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। आप इसी तरह से बाहर जो आउटलेट्स बनी होती हैं छोटी मोटी उनको आप इसी तरह से करें, बाकी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा पैसे से मजीद कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें करके आप उनको जब दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे सारी चीज़ें, उन्होंने जब इसको सारा देखना है उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उनसे फिर वापस लेना और उसको मैनेज करना। ये स्पाइंग का एक अलहदा मेरा ख्याल है ये काबिले अमल होगा, मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, सिविल एविएशन एक्ट उसके खिलाफ है, एलएस वो अलाउ नहीं करता और उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। राव साहब ब्रेक की तरफ जाना है, इतना जरूर है कि सिक्योरिटी हैजर्ड भी है, फाइनेंशियल हैजर्ड भी है, लेकिन इन तमाम हैजर्ड से सबसे ज्यादा बालतर शायद जाती मुफादात है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ वापस आकर कंटिन्यू करेंगे शो। We'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अक्सर औकात सेहत के शोबे के हवाले से हम बात किया करते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो 50 अस्पतालों के क़याम की बात की पूरे मुल्क के अंदर, तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी कि आखिरकार मुल्क के अंदर सेहत के शोबे की भी सुनी गई। नहीं तो डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म की बात कर लीजिए, बाकी वज़रा की बात कर लीजिए, अहम शख्सियात की बात कर लीजिए, उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ता है इलाज मुआलजे के लिए। लेकिन अब वो ख्वाब जो 50 अस्पतालों का देखा था, वो ख्वाब से बढ़ के कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसकी ताबीर होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्यों सुहेल साहब? निका, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता साल सितंबर में ये अनाउंसमेंट की थी और बड़े इसके इश्तिहारात की मुहिम चलाई गई थी जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। ऐलान ये किया गया था कि पाकिस्तान भर के अंदर जो सेहत के शोबे के अंदर लोगों को जिन मसाइल का सामना है, मियारी सहूलतें दस्तयाब नहीं है, अब लोगों को ये सहूलियात मिलेंगी। और ये सहूलियात ये नहीं होगा कि सिर्फ पंजाब में मिलेंगी, बल्कि आज़ाद कश्मीर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के अंदर मजमूई तौर के ऊपर 50 नए हस्पताल बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने पूरा प्लान बना लिया है, सूबों की भी इसके अंदर मशावरत होगी और लोगों को अब उनको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स के अंदर उनके इलाज मुआवजा हो सकेगा। उसके बाद फैसला ये किया गया कि ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा। अगरचे के कहा गया था कि सुबह अराजी भी फराहम करेंगे और कुछ इसके अंदर फंड्स भी शेयर करेंगे, लेकिन वो स्टेज उस वक्त आनी थी जब आपने बुनियादी एक उसका जो ढांचा था वो खड़ा करना था, कुछ एक नया सेटअप बनाना था जिसने इसको एग्जीक्यूट करना था। उस मकसद के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी कायम होनी थी, जिसका प्रॉपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दी गई, बाकी जो स्टाफ थे उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट की गई। 10 माह गुजर चुके हैं, ना तो इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती हो सकी है, ना दीगर जो आपको स्टाफ चाहिए था वो भर्ती किया गया है, और ना ही वजारत नेशनल हेल्थ और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसके ऊपर दोबारा कोई बात की गई है कि जो हॉस्पिटल बनने थे उनके क्या स्टेटस है। और स्पेशली जब हम बात करें कि जो आइंदा रवा माली साल का बजट है या PSDPA, उसके अंदर भी किसी जगह के ऊपर इन मनसूबों के लिए रकम तो बराह रास्त मुख्तस नहीं की गई, लेकिन सोचा ये जा रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात के तहत कुछ 200 से 250 रुपए के फंड्स रखे हैं, शायद उसमें से रकम दी जाएगी और कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कबल ऐलान किया था कि अब आवाम तैयार हो जाएं, उनके लिए खुशखबरियों का सीजन शुरू होने वाला है, हर महीने एक से एक नए से नए मनसूबे का इफ्तिताह होगा या संगे बुनियाद भी रखेंगे, इलेक्शन मुहिम भी है। फिर भी एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद मुल्क भर के अवाम की सेहत के अंदर जो जिन्होंने जिन मसाइल का सामना रहता है शायद अब उनकी सुनी जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इस जानिब तो आ नहीं रहे कि दोबारा उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, ना वो करने को तैयार हैं कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, जो कौम को बताया गया था कि अब हॉस्पिटल्स बनेंगे, वो अब बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ना ही वजारत नेशनल हेल्थ इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार है। ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, जो उसका कंसेप्ट था बहुत अच्छा था, फिनेंशियली भी ये फिजिबल है, हो सकता है, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब अगर फेडरल गवर्नमेंट के जरिए फौरी तौर पर फंडिंग करने को तैयार नहीं है, तो वो मंसूबे जिनको फेडरल गवर्नमेंट पहले एग्जीक्यूट जिन्हें इनिशिएट कर चुकी है, जहाँ पे 70-80% काम मुकम्मल हो चुका है, अगर आप उन्हें मुकम्मल करवा दें तो ये भी आपका कौम के ऊपर बड़ा एहसान होगा। अगर आपने ये मंसूबे शुरू नहीं करने थे या फिजिबल नहीं थे, फिर आपको अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी, आप कौम से मदद कर लें कि हम भी अपने इन 4-5 सालों के दौरान सेहत की सहूलियात आपको नहीं दे सके, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुश रहिए, सेहत का मामले का आप खुद देखिए, लेकिन ये फिजिबल काम था, ज़्यादा इसके कोई इतने एक्सपेंस नहीं थे, अगर सूबों के साथ मिलकर इसको जॉइंट फंडिंग के तहत तो शुरू किया जाता तो लोगों को अच्छी सेहत की सहूलियात मुयसर हो सकती थी। ठीक है, अच्छी सेहत की सहूलियात लोगों को मुयसर हो, ये कैसे हो सकता है राव साहब? क्योंकि जब जरूरत नहीं पड़ती यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों को, इधर के अस्पतालों की, तो फिर क्या फायदा सेहत की सहूलियात को सही कराने का? सेहत की सहूलियात अच्छी तो उनके लिए होनी चाहिए ना। देखिए, इनकी याददाश्त जो है ना वो अवामी मामलों में बहुत जल्दी ये भूल जाते हैं। मसलन इन्होंने बेशुमार ऐलानात किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनको वो भूल चुके हैं। एक उसमें से ये भी था कि स्विस बैंकों से हम जो लूटे हुए पैसे वापस लाएंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, उसके बाद था टैक्स रेट कम करेंगे, मुल्क से अंधेरे दूर कर देंगे, तो ये बहुत से बयान आते जो इनको याद नहीं थे। अब तो वो GIT में तो वो खालू को भी भूल गए थे मेरा ख्याल है, डेढ़ घंटे बाद याद आया था। तो वो तरजीहात की बात है बुनियादी तौर पे, जब आवाम की बात होती है तो उस वक्त इनकी सेहत का मामला हो, तालीम का मामला हो, आवाम को तहफ़ देना हो, उनके जानो माल का तहफ़ करना हो, या उनको पुलिस गर्दी से निजात दिलानी हो, या उनको गुर्बत से निजात दिलानी हो, उस वक्त ये सब कुछ भूल जाते हैं। उस वक्त सिर्फ ये याद होता है कि कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो बड़ी कंपनियाँ नहीं भूलते कभी भी, उनके CEOs को ज़ाती तौर पे जानते हैं, उनके काम को ज़ाती तौर पे जानते हैं, जहाँ से
कोई लंबा यानी ठेके हो जहाँ पे होने होते हैं उस जगह पे बिल्कुल नहीं भूलते, लेकिन जब गरीब की बात आती है वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 5 साल बाद 2 महीने की कंपेन चलाएंगे, 1.5-2 महीने इश्यूज उल्टे सीधे उठा के उनको दोबारा से सब्ज बाग दिखा के वोट ले लेने हैं, उसके बाद 5 साल कौन सा आवाम ने हमसे पूछना है या हमने आवाम से पूछना है, फिर मौज करेंगे अपनी, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ तकरीबन यही कुछ हो रहा है, आवाम की अवेयरनेस नहीं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये तो आवाम की नहीं सुन रहे, शायद खुदा ने आवाम की सुन ली है, तो कुछ मामलात ऐसे अल्लाह करे हो जाएं कि फिर ये वाकई आवाम की जो बात है और उसका जो फ़ायदा है उस पर कान धरें, उसको वो काम भी करें और उनके फ़ायदे के लिए कोशिश करें, वरना इस तरह से मामला चलते रहे तो ये हर चीज़ ही भूल जाएंगे सिवाय अपनी ज़ात के, अभी भी यही सूरत है, अपनी ज़ात के अलावा सब कुछ भूल जाते हैं जब इक्तदार में आते हैं, उससे आगे कुछ नहीं सोचते, अपने हवारियों को भूल जाते हैं, अभी देखें चौधरी निसार साहब क्या गुल खिलाते हैं आगे चल के, लेकिन लेकिन भूल चुके हैं, हवारियों को भी भूल चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो नेक्स्ट, अब कल की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कैंसिल करनी पड़ी लाहौर के वाकये की वजह से, लेकिन अब लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वफाक इस मामले के ऊपर सुस्ती का शिकार नहीं है, बल्कि जो सिंध है उसके अंदर भी कोई मामला मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ भी हेल्थ कमीशन बिल जो है वो रख दिया साइड पे कि देखेंगे पता नहीं कब जब ज़रूरत पड़ेगी या जब इलेक्शंस के करीब आएंगे तो देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके अंदर रेनोवेशन तरक्याती मंसूबे थे वो भी डिले का शिकार हो चुके हैं, और राव साहब फिर डेफिनेट सी बात है जो आपने लीगल कवर के अंदर लेकर आना होता है निजी अस्पतालों को, बहुत सारे और मामलात हैं जो सही करने हेल्थ सेक्टर के हवाले से, वो भी सारे ताखीर का शिकार। बहुत इंपॉर्टेंट बिल था ये, और ये रिक्वायरमेंट है, इस मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है आपकी, जहाँ इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इतने सारे चीज़ें हो रही हैं और लेबॉरटरीज खुली हुई हैं आपकी जो प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पे उनके करना, फिर मेडिसिन का इसी तरह से जैसे मसाइल हैं तो उनको मैनेज करना सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कमीशन 2014 में ये हुआ था, उसके बाद एक थैलेसीमिया का बिल भी पास हुआ था जो आलमोस्ट गैर मुअसर हो चुका है, वो उसका भी टाइम का इशू था, ये भी पढ़ा है उसी तरह से। इसके बुनियादी तौर पर एक तो जो ओवरऑल फंक्शनिंग जो हेल्थ सेक्टर में थी उसको इसने बेहतर करना था, दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह हॉस्पिटल्स की प्राइवेट इदारों की प्राइवेट लेबॉरटरीज़ की उनकी टेस्टिंग सर्विसेज जो है उसके स्टैंडर्ड्स की वो सारा इन्होंने उसको मेंटेन करना था। अब अगर ये नहीं होगा तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहली जो सूरत हाल है हेल्थ के शोबे की, जिस तरह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं कराची में खासतौर पर कचरे की वजह से, फिर बारिश हो जाती है उसकी वजह से ओवरऑल जो है, फिर नई नई बीमारियां दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, जो हमने पहले भी जिक्र किया था जो हमारी नेशनल हेल्थ जो जिन्होंने रिसर्च का काम करना होता है वो भी चुप करके बैठे हुए हैं, आपके पास ऐसा डाटा भी नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप ये काम कर सकें, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिवली और इसको बड़े अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल आवाम को कह लें कि एक तो वैसे टेररिज्म से अलग वो कह लें एक तरह से शिकार है, बाकी जॉब जनरेशन के हवाले से हम बहुत पीछे हैं, जॉब जनरेशन उस तरह से नहीं है, जो बिजनेस चल भी रहे हैं वो भी बैठते जा रहे हैं, हमने फिशरीज का जिक्र किया जिसमें 7-8 लोग डिपेंडेंट हैं, अगर वो उसके मामला ख़राब होने उस पर आपकी बेरोज़गारी उस पर बढ़ेगी, तो ये जो जान का सिलसिला है इंसान की वो बिल्कुल कह लें कि इग्नोर होता चला जाएगा, नज़रअंदाज होता चला जाएगा, ऊपर से सेहत के मसाइल भी साथ हो, आप अफोर्ड भी ना कर सके और ऊपर से सेहत के मसाइल हो तो ये होता चलेगा, और ये बुनियादी जिम्मेदारियों में से है, सेहत और तालीम जो है और तहफ़ देना जानो माल का ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक बुनियादी जिम्मेदारी है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ऊपर अगर इतनी बेइतनाई बरती जाती है और इतना उसको इग्नोर किया जाता है तो बाकी मामला किस तरह से बेहतर होंगे। फिर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंडामेंटल राइट्स की जब बात होती है सुहेल साहब तो फिर तो एक लंबी फहरिस्त है जो कि पूरी नहीं हो रही, लेकिन ज़रा सिंध के सेहत के सेक्टर में ये देख लेते हैं, कराची के अकेले शहर को देख लें, 2.5 करोड़ की आबादी है और चंद तकरीबन 4 या 5 ऐसे बड़े अस्पताल हैं उधर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो केटर करते हैं और वो नॉर्मली इतने खचाखच भरे होते हैं कि बाकी टाइम पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाए उस टाइम पर उनके लिए बाकी पॉपुलेशन को केटर करने का कोई सामान मौजूद नहीं है, कोई इतने फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। निगाह एग्जैक्टली ऐसा ही है, आइन के मुताबिक तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरी को सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करे, वो आप नहीं कर पा रहे, आप नाकाम हो चुके हैं, ना वहाँ अद्वियात हैं, ना टेस्ट के लिए वहाँ मशीनें हैं, ना डॉक्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, अवाम जो कोई बैठा हुआ कोई जूनियर डॉक्टर्स जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं उनसे चेकिंग करवा चेकअप करवा के बाहर आकर वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, अद्वियात तो वहाँ मिलती नहीं है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते ख़ुद बराह रास्त अवाम को ये सहूलियात फराहम नहीं कर सकते तो फिर जो हेल्थ कमीशन था उसको आप फाल कर देते
जो प्राइवेट शोबे के अंदर हॉस्पिटल मौजूद हैं, एटलीस्ट उन्हें रेगुलेट कर देते, वो लेबॉरटरियाँ जो आवाम को, जो जिन्हें लोगों को, मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट की सहूलत मुयसर नहीं होती, वो बाहर प्राइवेट लेबॉरटरियों में जाते हैं, उन्हें चले वहाँ पर, ये तो उन्हें पता होना कि हमें जो हम टेस्ट करवा रहे हैं वो अथेंटिक है और हमसे मकूल फीस चार्ज की जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल कानून के दायरे से बाहर हैं। वज़ीर आला सिंध साहब खुद जाके निजी अस्पतालों का दौरा करते हैं और खुशी के साथ अनाउंसमेंट करते हैं कि हम आपकी माली इमदाद भी जारी रखेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान भर के चले अगर हम बात करें या सिंध की बात करें खसूसी तौर के ऊपर, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो यहाँ पर वजारत पेट्रोलियम का कलमदान उनके पास था, तो हमें वो बताया करते थे कि सिंध के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, उन्हें कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। डॉक्टर आसिम साहब को पाकिस्तान के अस्पतालों की और इस शोबे की सूरत हाल का A to Z सारा पता है, वहाँ पर क्या प्रैक्टिस होती है, किस तरीके से आवाम के उनके जेबों से पैसा निकाला जाता है, चूँकि वो खुद PMDC में बड़े इफेक्टिव रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इनको बता सके कि हेल्थ कमीशन का क्या रोल है, निजी अस्पताल आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, तो डॉक्टर आसिम साहब को सब पता है, उनसे पूछ के आवाम के लिए कुछ आप बेहतरी कर दें, ताकि कुछ कुछ ना कुछ तो लोग भी आपको याद करें कि किसी एक शोबे के अंदर सिंध के अंदर भी तरक्की हुई। उनको कोई दिलचस्पी होती तो ऑयल एंड गैस के बजाय सेहत के शोबे में आते ना। आप ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ऑयल एंड गैस की जरा बात करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ये जो ऑयल टैंकर्स जिस तरीके से जा रहे होते हैं, आपको याद है कराची से जाते हुए अहमदपुर शर्किया के अंदर अफसोसनाक वाकया आया, वो टैंकर आज भी उसी सड़क पर मौजूद है, ये याद दिलाने के लिए कि जो लोग जिन्होंने अपनी जाने उसके अंदर गंवाई उनके लिए इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ ये होगा कि आगे से ऐसा कोई वाकया पेश ना आए, जो टैंकर्स हैं वो क्वालिटी के हों, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑयल टैंकर्स जितने भी हैं सारे के सारे माफिया बना लिए, कार्टल बना लिए, इकट्ठे हो गए और वो मान ही नहीं रहे ओगरा की बात, जो ओगरा कह रहा था कि इसको क्वालिटी के ऊपर लेकर ना। निका, अहमदपुर शिरके के सहाने के बाद तमाम ओगरा समेत तमाम इदारों की आंखें खुली कि पाकिस्तान के अंदर शहराओं के ऊपर हो क्या रहा है और हो क्या रहा था। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 12,000 से ज्यादा ऑयल टैंकर इस वक्त पूरे मुल्क भर के अंदर शहरों पर हैं। और रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि ओगरा रूल्स 2009 के तहत कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसके पास वो स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, या तो अपने जो पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के लिए अपने टैंक लॉरीज का अहतमाम करे, लेकिन अगर वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टर से किसी निजी शोबे से किसी की खिदमात हासिल करके टैंकर्स की इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ओगरा के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना लाजिम है। उसके अंदर 10,000 लीटर की तरसील से लेकर 50,000 लीटर की तरसील के लिए तमाम स्पेसिफिकेशन मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से ये इतना पुरकशिश बिजनेस है और मुनाफे की शरह इसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि उन लोग सब लोगों ने जो ओगरा के स्टैंडर्ड्स थे जो कि इंटरनेशनली प्रैक्टिस के मुताबिक तैयार किया गया, उन पर कंप्रोमाइज़ करके ही सब लोग इजाफी मुनाफा कमा रहे हैं। उसके बाद जब ये वाक्य पेश आया तो ओगरा ने अपनी भी इंक्वायरी की और उसके बाद ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल जिसके अंदर तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी शरीक हैं, उनसे कहा गया कि अब हम मुख्तलिफ कंपनियों के साथ जो टैंकर्स इस वक्त जो काम कर रहे हैं सप्लाई करते हैं उनकी हमें डिटेल्स फराहम कीजिए। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% से ज्यादा ऑयल टैंकर्स ओगरा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हैं, 6,000 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स। अब ये तमाम टैंकर जब अहमदपुर शर्के के सामने और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर 12 से ज़ायद वाक़यात और भी हो चुके हैं, क्योंकि तमाम लोग कॉन्शियस थे, आवाम भी उनसे दूर रही और ज़िली इंतज़ामिया ने भी फौरी तौर के ऊपर कैटर किया सिचुएशन को, कोई इस तरह की कोई दोबारा से उस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन टैंकर्स उल्टे ज़रूर हैं। अब ये ऑयल टैंकर्स ने जब ओगरा का प्रेशर बढ़ा है, अदालतों ने इसको टेकअप किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ और ट्रैफिक पुलिस ने जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, जो ओगरा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, उनको रोड्स पर नहीं आने दे रहे। उसके बाद जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है उन्होंने चेकिंग सख्त कर दी है। ओगरा की टीम लास्ट वीक फ्राइडे से कराची पहुंची हुई है, वहां पर डिपोज पर जाकर हर एक टैंक लॉरी की खुद से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और टैंकर्स बजाय इससे कि आप उनके साथ ताउन करें, आप माने कि हमारी गलतियां हैं, 6,000 से ज्यादा ऐसे ट्रक है जो इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं, एक वक्त तय कीजिए और उनको अपग्रेड कीजिए। वो करने के बजाय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी और टैंकर्स मालिका ने मिली भगत कर ली है। गुज़श्ता रोज़ भी 2 से 4 घंटों की स्ट्राइक की गई और कहा गया कि अगर ओगरा ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने और मुतलका दीगर डिपार्टमेंट से हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की तो हम मुल्क भर के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक देंगे, मौशियत का पहिया जाम कर देंगे, कुछ नहीं चलने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप इस तरह ये आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ओगरा को भी और वजारत पेट्रोलियम को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बिठा कर उन्हें कुछ टाइम दें, आप
फास्ती जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें 100% इंश्योर करवाएं इमीडिएटली, भले आप जुर्मानों की कार्रवाई ना करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करके आप कहें कि हम स्ट्राइक कर देंगे लेकिन हम अपने ऑयल टैंकर्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, ये सरासर गलत है। सही। अच्छा राव साहब, ये ब्लैकमेल तो पाकिस्तान के अंदर अक्सर औकात चल जाया करता है, यही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, बिलखसूस जो इंटरनेशनल कंपनी है और बिलखसूस जो कंपनी इस वाकये के अंदर सानिया के अंदर इन्वॉल्व थी, जिसकी गफलत थी, गलती थी, वो कंपनी किसी और मुल्क में जाएगी तो वो वहाँ के कवायद जवाबित के एन मुताबिक चलेगी, बिल्कुल तीर की तरह सीधी चलेगी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आकर इधर उधर होने की ट्राई करती है। जो ब्लैकमेल स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, ये दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और ऑयल टैंकर वाले माले खान जो है, इन्होंने मिलकर किया हुआ है, अब इसके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लाइसेंस मनसूख करें इनके या ऑयल टैंकर्स को चलने ना दें, इनके पास हुकूमत के पास तो ये ऑप्शन है। देखिए, ये माफियाज जब ऑपरेट करते हैं तो इसी तरह से ऑपरेट करते हैं, उनको अपने नाजायज़ काम करते हैं, उसके बाद उसको तहफ़ देने के लिए फिर ये इस किस्म की ब्लैकमेलिंग और ये हड़ताल और ये सारी गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत और इदारे फ़ौरन घुटने टेक जाते हैं उसके आगे, क्योंकि उनके अपने वो कहते हैं कि स्केलेटन इतने होते हैं अपने कबर्ड में कि वो कहते हैं कि चलो किसी तरीके से इनको चुप कराओ, बीच में कोई ना कोई हिस्सेदार भी होते होंगे, पैसे भी बहुत ले रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे माफियाज का जो पूरा सिस्टम है उसमें बहुत सारी जो इनकम होती है कमीशन की सूरत में, ब्राइब की सूरत में, वो बहुत जगहों पर जा रही होती है, इसलिए कानून की अमलदारी को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये ऑब्वियसली ये बात करने की ज़रूरत है, इसको अमल दरामद इस पर कराने की ज़रूरत है। जहाँ तक हड़तालों का कल्चर है, वो बुनियादी तौर पे भुट्टो साहब के दौर में ट्रेड यूनियनिज्म शुरू हुआ, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि जो लेबर की जो उसका हक है, जो उसका राइट है, उसको इंश्योर किया जाए। तो वो CBA यूनियंस बनती थी, कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट, जो एक बड़े लीगल और उस तरीके से ऑपरेट करती थी। मैं APP में रहा हूँ, मैं प्रेजिडेंट भी रहा हूँ उसका, CBA का हम इसी तरह से ऑपरेट करते थे कि हम अगर कोई होता था थोड़ा बहुत एहतजाज के, उसके बाद हम बैठ के नेगोशिएट करते थे, चीज़ें तय करते थे, अक्सर तय हो जाती थी। जैसे APP को जब कॉरपोरेशन बनाने का एक्ट जब हुआ, उसमें हमने सारी इनपुट दी अपनी और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको बनवाया और हमारी बात मानी गई, उसमें वेजेस का इशू आता था, बाकी इशूज़ आते थे, वो इसी तरह से तय होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक सिलसिला को अजीब सा चल पड़ा है अब पिछले कुछ सालों से, कि कुछ मसला होता है छोटा मोटा, वकील निकलते हैं पकड़ के जज को मारना शुरू कर देते हैं, इधर से PIA वाले वहाँ हड़ताल करके बैठ जाते हैं, हर वहाँ स्टील मिल वाले हड़ताल करना उनका राइट है एज लेबर लॉ के तहत, उसके बाद उस निगोशिएट करना कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट के तौर पर, वो भी उनका राइट है, और उसको सेटल करना चीज़ों को, वो जो मैनेजमेंट है उनके मिल के सेटल करते हैं। लेकिन ये कि ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं, ये किस चक्कर में ये सारा काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं, और ऊपर से दो नंबर किस्म के टैंकर लेके आप घूम रहे हैं, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, जल रहे हैं आपकी इस हरकत की वजह से, तो आप किस चक्कर में हड़ताल कर रहे हैं भाई? आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए सारे वाक्य के ऊपर, और आपको इंश्योर करना चाहिए कि आइंदा ऐसा वाक्य कोई नहीं होगा, बजाय इसके कि आप इंश्योर करें आप उल्टा धमकी लगा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हम हड़ताल कर देंगे, हम बंद कर देंगे। तो एक दफ़ा कर दे बंद, मेरा ख्याल देख ही लेना चाहिए क्या कर सकते हैं, जब ये घर बैठेंगे इनको ड्राइवर और उसके कंडक्टर आके जब कहेंगे हम भूखे मर रहे हैं भाई हमें भी कुछ दो, टैंकर वालों को जब जाके लड़ेंगे को बहुत बड़े बड़े इसमें तो नहीं है, छोटे छोटे होते हैं ग्रुप्स जो आपस में मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कानून की अमलदारी कहीं से तो ये शुरू हो, काम अमलदारी यकीनी बनानी चाहिए, ओगरा को अपना करना चाहिए इस पे। ओगरा ने बड़े ज़बरदस्त नए SOP सेट किए, जिसमें ड्राइवर्स की दो ड्राइवर्स, उनके ड्राइविंग आवर्स, बहुत सी चीज़ें सेट कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो गैर मियारी ऑयल टैंकर्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो PSO के साथ कर रहे हैं, सबसे बड़ी कंपनी भी है और उसका ऑपरेशन ज़्यादा है, लेकिन PSO के MD बड़े कॉम्पिटेंट हैं, दो साल से बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। हमारी उनसे अपने प्रोग्राम की तवस्सुल से दरखास्त है कि जितने गैर मियारी ऑयल टैंकर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आप खुद एक्शन लीजिए, उन्हें वहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट गया तो ख़त्म कीजिए, उन्हें टाइम लाइन देके उन्हें अपग्रेड करवाएं, चूँकि आगे जब जिस अल्लाह ना करे दोबारा हादसा हो, सबसे पहले जो डैमेज होती है वो मुतलका कंपनी ही होती है। ठीक है, और इतना ज़रूर है कि हर कंपनी और बिलखसूस बड़ी कंपनियां, इनके ऊपर तो एक CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि वो जहाँ काम कर रहे हैं उस इलाके को नुकसान ना पहुँचाए, जहाँ काम कर रहे हैं या जिस तरह का काम कर रहे हैं उसको एन इंटरनेशनल मयारात के हिसाब से करें। लेकिन ओगरा ने जो SOP सेट की है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ओगरा की और हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी सख्ती से होगी, सजा दी जाएगी SOPs की वायलेशन पे, तो उसके बाद फिर मामला जो है अगली दफ़ा हम लोगों को ये देखने में नहीं आएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगली दफ़ा मामला ना देखने में आए इसराइल में के हवाले से अगर बात करें तो इसराइली फोर्सेस की तरफ से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म देखने में ना आए, ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए क्योंकि इसराइल को सही से बताया नहीं जा रहा कि वो जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं इसके नतायज
बहुत नेगेटिव आ सकते हैं अगर पूरी दुनिया मिलकर बैठ जाए। तो अक्वामे मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में अब हंगामी इजलास तलब किया गया और इस हंगामी इजलास का फायदा कोई नहीं रहा साहब अंटिल और अनलेस सारी बड़ी बड़ी फोर्सेज जो इसराइल को इस तरह के कामों के ऊपर बैक कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, वो खुद उठ के खड़ी ना हो और बोलें कि बस हो गई, बहुत हो गया, कि आपने जो बैतुल मकदस के अंदर किया और जो आप रोज कर रहे हैं ये गलत। देखिए ये एक मुसलसल जबर का सिलसिला जो जारी है, फलस्तीन में भी, कश्मीर में भी हम देखते हैं इस किस्म की सूरत ये है, लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे इसराइल के पीछे अमरीका खड़ा है, बड़े तगड़े तरीके से खड़ा है और वो एक छोटी सी स्टेट होने के नाते सिर्फ अमरीका के खड़े सिर्फ उसके पीछे खड़े होने से वो कितना वहाँ पे ब्लैकमेल करता है, पूरे खित्ते को ब्लैकमेल करता है और बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पे वो अपनी बदमाशी कायम की है बाकायदा तौर पे। बात यह कि अभी ट्रंप साहब गए थे, सऊदी अरब गए थे, उसके बाद वो इसराइल भी गए, उसके बाद वो उन्होंने महमूद अब्बास से भी मुलाकात की फ़लस्तीन में। वो बुनियादी तौर पर अभी नया प्रेजिडेंट आया, वो पॉलिसीज़ जो है ना मुख्तलिफ खित्तों के हवाले से, जिसमें हमारा खित्ता भी है जो अनफॉर्चुनेटली उसका हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बहुत सीरियस इश्यूज़ होने जा रहे हैं, वो पॉलिसी तश्कील दे रहे हैं वहाँ पे बैठ के पेंटागन में भी और CIA में भी, पाकिस्तान के लिए शायद कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हमारे तो तवज्जो ही नहीं है खैर इनकी। इसराइल के हवाले से भी उन्होंने अपनी पॉलिसी आलमोस्ट फाइनल कर लिया कि उन्होंने किस तरह से उस खत्ते को लेकर चलना है, उसमें आपको अभी नज़र आना शुरू हो गया। एक तो सिर्फ इस अमेरिका की बैकिंग से इसराइल इतना तगड़ा वहाँ पे होके बैठा हुआ है, उसके बाद ये मिडल ईस्ट में जो आपस में इनकी लड़ाई शुरू हुई है कतर को लेके और फिर यमन और शाम की सूरत हाल जो है उसमें और ज़्यादा ये कमज़ोर पड़ती जा रही हैं ये सारी रियासतें, इसराइल को बहुत तगड़ा होने का मौका मिल रहा है उस जगह पर। एक जगह पर उनको ख़तरा था और वो ईरान, उसके ऊपर आप देख ले अभी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ने किस किस्म की वहाँ पे गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी अभी शुरू की हुई है, फिर सेंक्शंस की तरफ अब जा रहे हैं, फिर उसके बाद मजीद उसको प्रेशराइज करेंगे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर और इसराइल की वजह से पर्टिकुलरली, ताकि इसराइल के साथ कोई प्रॉब्लम ना वहाँ पे पेश है किसी हवाले से भी, ना ईरान की तरफ से आए। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तो अल्लाह के फजल से उनकी हालत ही ऐसी होगी, बल्कि सऊदी अरब जिसको हम एक अपने लीडर के तौर पर भी लेते हैं मुकदस मकाम की वजह से भी, वैसे भी हमारे साथ बड़े उनके अच्छे मुरासिम रहे, वो अब इसराइल की मोहब्बत में तकरीबन मरे जा रहे हैं और कोशिश करें मामला ठीक हो जाए और खित्ते में गड़बड़ का बायस भी बन रहे हैं अपनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस वगैरह तैयब अरदवान भी गए शायद कुछ सूरत बेहतर, लेकिन ये बर्बरीत का सिलसिला उस वक्त रुकेगा जब मिडल ईस्ट में भी कुछ वाइब्रेंस आए इस हवाले से, रेजिस्टेंस आए कुछ उस हवाले से उन मुल्कों की तरफ से आए, सिर्फ फलस्तीनी कब तक ये सारी अपनी जान पे झेलते रहेंगे सारी चीज को। ठीक है, लगता नहीं है कि किसी को फलस्तीनियों का ख्याल हो रहा है, जिन मुमालिक ने ये इजलास तलब करने का कहा है बस वही नजर आ रहे हैं। लेकिन सहेल साहब अजीब बात ये है कि इसराइल इकोनॉमी की मुईशत की बेसिस के ऊपर तमाम जगहों पर राज कर रहा है, अजीब बात यह है कि जो अरब ममालिक हैं ये सारे ये इकोनॉमी वाइज इसराइल से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इनके पास जखीरा है, तेल की बात कर लें या बाकी चीजों की बात कर लें, लेकिन अपने आप को उस तरह मनवा नहीं पा रहे। अगर चाहें तमाम मिलकर ये फलस्तीन के राइट्स के बारे में बिल्कुल बात कर सकते हैं, कौन सा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इन लोगों के लिए। निका, ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि मसाइल को हल भी करवा सकते हैं, यही वो सबसे बड़ा एक फॉल्ट है जो आलमी इस्लाम के अंदर और मुस्लिम ममालिक के दरमियान, जिस वजह से उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों के मजालिम का सामना है। फलस्तीन के अंदर गुज़श्ता कई दहाइयों से इसराइल की जो जुल्म बर्बरियत वहाँ पर जारी है, अक्वामे मुत्तहिदा के सब कुछ सामने है, दुनिया भर के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है। ये हंगामी इजलास तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के मुतरदिफ है, ड्रामाबाजी और कुछ नहीं है। ये ममालिक कभी इस तरह का रोल प्ले नहीं करेंगे जो सारे खुद इसराइल की बैकिंग पे खड़े हुए हैं। जो रोल ये प्ले कर सकते हैं इन दुनिया के इन ममालिक को जो जुल्म करने वाला का साथ देते हैं और बयान दे के दुनिया खुश करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हमारे पास मौसर प्लेटफार्म साबित हो सकता था या हो सकता है वो OIC का ही है। तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर एफर्ट करें, OIC टेकअप करें, तो फिर इन मुस्लिम ममालिक के अंदर जो जारी मजालिम है वो कहीं ना किसी हद तक कम हो सकते हैं। ठीक है, सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ज्वाइन किए, इतना ज़रूर है कि मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करें मुस्लिम ममालिक, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी किसी रीजन के अंदर भी जो मुसलमान ममालिक या मुसलमान पॉपुलेशन के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। हमें एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की ज़रूरत है, लेकिन एक जगह OIC पे देख लीजिए, बाकी दूसरी जगह जो टेररिज्म के खिलाफ इत्तेहाद बना था उधर देख लीजिए, हम खुद आपस में बटे हुए हैं तो हम किसी के बारे में क्या बात कर पाएंगे। यही वजह है कि हर जगह हम लोगों को नजर आ रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुब के नाम से Facebook, Twitter दोनों पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।